कि देश के अंदर सैकड़ों सालों से एससी ओबीसी के लोग पिटते हुए आ रहे हैं। जहां तक सुधार की बात करें, एससी कम्युनिटी ने अपने आप को काफी हद तक सुधार लिया है, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो चाहे बिजनेस का हो, तो बहुत ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की वो, जैसे अभी आपने देखा कि भरी सभा के अंदर जूतों से ओबीसी समाज के एक नेता को बहुत पीटा, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे कि इस भरी सभा के अंदर तक जब नेता पिटते हैं तो आप जनता कहां तक पिटेगी, उसके बारे में बताएं। और ओबीसी जो मानसिकता है, जो ओबीसी के लोग हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट कब आएगा या वो पिटते भी रहेंगे इस तरीके से? नहीं देखिए, ये तो मुझे लगता है आप तथ्यात्मक रूप से गलत कह रहे हैं। जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीतापुर की घटना शायद आप बता रहे हैं, तो जी तो वहाँ पे वो संत कबीरनगर, हाँ संत कबीरनगर के कह रहे हैं, तो वहाँ पे वो ओबीसी समाज के व्यक्ति नहीं थे जिनकी पिटाई हुई है, बल्कि वो ठाकुर समाज के या क्षत्रिय समाज के व्यक्ति थे जिसकी जूतों से पिटाई हुई है। लेकिन आपकी बात जो है बड़े स्तर पे सही है कि लंबे समय से यहाँ पे SC ST OBC के साथ अत्याचार होता रहा है। लेकिन इसको आप इस रूप में देखिए कि ऐसा नहीं है कि ओबीसी समाज के अंदर जागृति नहीं है, ऐसा नहीं है कि ओबीसी समाज ने इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया। मैं तो ये कहूँगा कि ओबीसी समाज ने ही इस आंदोलन की आधुनिक समय में नींव रखी जी। उन्होंने ही, ज्योतिबा फूले ओबीसी समाज से हैं, पेरियार ओबीसी समाज से हैं, नारायण गुरु ओबीसी समाज से हैं, कितने लोगों का नाम आप जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लीजिए, आप अर्जक संघ का अगर नाम आपने सुना है तो अर्जक संघ के जो संस्थापक हैं रामस्वरूप वर्मा जी, वो ओबीसी समाज के हैं। आप महाराज सिंह भारती का नाम आपने सुना होगा, महाराज सिंह भारती उत्तर प्रदेश में मेरठ से विधायक MP रह चुके हैं, वो अर्जक संघ के थे। उनकी उनके उनकी पढ़िए किताबें या उनके विचार सुनिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ललित सिंह यादव का नाम आपने सुना होगा, ललित सिंह यादव जिनको उत्तर प्रदेश में या नॉर्थ का पेरियार कहा जाता है, वो ओबीसी समाज के हैं। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने ब्राह्मीणवाद के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन ब्राह्मीणवादी मीडिया, ब्राह्मीणवादी शिक्षा तंत्र इस तरह का है कि वो आपको इन लोगों के बारे में नहीं बताता, और हमें ये लगता है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग जागृत नहीं है। वास्तव में आप जैसे लोगों का, ऐसे न्यूज़ का और इस तरह के दूसरे साथियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सभी लोग जो इस लड़ाई में आगे आए हुए हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उनके बारे में बताया जाए कि नहीं, ओबीसी समाज जाग रहा है, जाग चुका है, इस आंदोलन को उसने बहुत मजबूती से समझा है, उस आंदोलन को निश्चित रूप से, जैसे माननीय काशीराम साहब कहा करते थे कि भाई परिवर्तन कब आएगा, परिवर्तन आने के लिए जरूरी है कि किसी भी समूह के अंदर जरूरत होनी चाहिए कि उस समूह के पास सिर्फ जरूरत से काम नहीं चलता है, इच्छा होनी चाहिए, और इच्छा से भी काम नहीं चलता है, उसके पास संसाधन होने चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए। तो शेड्यूल का शेड्यूल टाइप्स के अंदर जरूरत है, इच्छा नहीं है, लेकिन हमारे महापुरुषों के आंदोलन की वजह से उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हो गई, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास ताकत नहीं है। तो ओबीसी समाज के पास इच्छा इतनी नहीं थी, शायद जरूरत भी उतनी नहीं थी, माननीय काशीराम साहब जी से बात करते थे, जरूरत भी इतनी नहीं थी, लेकिन उनके पास ताकत है। तो जैसे जैसे ये तीनों लोग साथ आते हैं तो इच्छा भी हो जाती है, जरूरत भी हो जाती है, और ताकत भी आ जाती है, तो फिर परिवर्तन आ जाता है। वो कहते हैं कि नीड इंटू डिजायर इंटू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज, माननीय साहब का ये फॉर्मूला है। तो मुझे लगता है कि ओबीसी समाज को निग्लेक्ट करने का प्रयास किया गया, खासतौर पे कांग्रेस के द्वारा ओबीसी आंदोलन को, ज्योतिबा फूले के आंदोलन को ध्वस्त कर दिया गया, उसका ही ये परिणाम हुआ कि आप जैसे महाराष्ट्र में देखिए, खुद वो महाराष्ट्र से आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जो मराठा समाज है जिसने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी ब्राह्मीणवाद के खिलाफ, शिवाजी को का नाम आप जानते हैं, खुद जो कोरेगांव की लड़ाई है उसमें बहुत सारे मराठाओं ने पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो मराठा के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, वो पेशवाओं के खिलाफ लड़ाई थी, पेशवा और अंग्रेजों की लड़ाई थी, जिसमें मराठा तो इस तरफ भी थे, उस तरफ भी थे, सैनिक थे तो दोनों तरफ थे, लेकिन एक दुष्प्रचार के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की बात को फैलाया गया कि ओबीसी समाज बहुजन समाज के आंदोलन के साथ नहीं जुड़ा है। माननीय काशीराम साहब एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं ओबीसी समाज के, अभी भी शिखर शख्सियत हैं कंचा लैया साहब को मैं अच्छे से फॉलो करता हूँ, उनकी उनकी बातों को अच्छे से जानता समझता हूँ, पढ़ता हूँ। तो उन्होंने 94 के अंदर, माननीय काशीराम साहब जब उत्तर प्रदेश में सरकार बन गई थी और आंध्र प्रदेश में चुनाव होने वाले थे, तो वो वहाँ पे गए और कंचा लैया साहब लिखते हैं कि माननीय काशीराम साहब को लेने के लिए दो बड़े ओबीसी नेता हवाई अड्डे पर पहुँचे, एयरपोर्ट पर पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी,
खुद वो ओबीसी समाज से है। अच्छा, खुद वो ओबीसी समाज से है कि जब एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति का सम्मान करने के लिए ओबीसी समाज के लोग अपने संसाधनों से पहुंच रहे हैं तो निश्चित रूप से भारत में परिवर्तन होगा। माननीय कांशीराम साहब वास्तव में बहुजन समाज के और बहुजन नायक इसीलिए कहे जाते हैं कि भैया आपने समाज की हर कड़ी को जोड़ने का प्रयास किया। जी,